डेविल मोमो बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ 2 कप मैदा लिया और उसमें आधी चम्मच नमक और आधी चम्मच बेकिंग सोडा डालकर अच्छा से मिक्स कर लिए। उसके बाद उसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर अच्छा से ये मैदे को हम हाथ से गूंद लेते हैं। अब हमारी मैदा की डो तैयार हो चुकी है। अब इसे हम 15 मिनट के लिए रेस्ट करने देते हैं। अब हम अपने चिकन के स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। मैंने यहाँ 300 ग्राम चिकन लिया और इसे अच्छा से मिक्सर में पीस लिया है। अब मैंने चिकन मिंस को एक बोल में निकाल लिया है, उसमें एक बारीक कटी हुई प्याज डाल दिया और उसी के साथ आधी कटोरी महीन महीन कटी हुई धनिया पत्ता डाल दिए और आधी कप स्प्रिंग ऑनियन महीन महीन काट के डाल दिए। 1 चम्मच नमक डाल देते हैं स्वाद अनुसार और उसी में डालते हैं 1 चम्मच ब्लैक पेपर कुटी हुई, 2 चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट, 1 चम्मच विनीगर, 1 चम्मच सोया सॉस डाल देते हैं। अब इसे अच्छा से मिक्स कर लें। आप देख ही सकते हैं कि हमारे चिकन स्टफिंग तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस में चलते हैं। हमारे गूंदे हुए मैदे जब 15 मिनट हो जाए उसे लेके अच्छे से मुझे लंबे करके और उसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेना है। मैंने जो मैदे के डो को छोटे पीसेस काटे थे वो अब एक एक पीस लेकर छोटे छोटे पतले रोटी के तरह बेल लेना है। अब हमें इसमें चिकन के स्टफिंग डालना है 1-1 चम्मच करके और इसे अच्छा से मोमो के आकार में फोल्ड करते हैं। इसी तरह सारे मोमो हमने तैयार कर लिए। हमें एक मोमो मेकर ले लेना है, उसके फर्स्ट वाले रैक में थोड़ा पानी डालकर गैस को ऑन करके चढ़ा देना है। दूसरे रैक में थोड़ा ऑयल डालकर उसे अच्छा से ग्रीस कर लेना है और उसमें जितने मोमो हैं उसमें सजा के अच्छा से प्लेस कर देना है और थर्ड वाले रैक में बचे हुए मोमो को हमें सजा के 7 से 8 मिनट तक स्टीम करना है। सात से आठ मिनट हो चुका है। अब हमें रैक को एक्सचेंज करके फिर 2 से 3 मिनट तक स्टीम करना है। हमारी मोमो स्टीम हो चुकी है। नेक्स्ट प्रोसेस डेविल मोमो की चटनी। तो मैंने 3 टमाटर काट के ले लिया मिक्सी जार में, उसके साथ 6 से 8 पीस लहसुन ले लिया है, उसमें स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है और उसी के साथ 5 पीस मैंने सूखी मिर्च गर्म पानी में भिगो के रखी थी उसे डाल दिया है। अब इसका पेस्ट बना लें। नेक्स्ट प्रोसेस में हमें एक कढ़ाई लेना है, उसमें 2 से 3 चम्मच ऑयल डालना है। ऑयल गर्म होने के बाद उसमें हमें 1 कटी हुई प्याज डाल देना है और उसी के साथ थोड़ी सी कैप्सिकम कटी हुई डाल देना है और उसे अच्छे से सोटे करना है। अब हमारी जो स्टीम की हुई मोमो थी उसमें हम 1-1 करके अच्छे से डाल देते हैं। अब हमें अच्छे से मोमो डालने के बाद सॉटे करना है 2 से 3 मिनट तक, जब तक हल्की सी गोल्डन ब्राउन हो जाए। जब गोल्डन ब्राउन हो जाए तो हमें उसे 1-1 करके उठा लेना है।
हमें हमारी फ्राई मोमो रेडी है। अब उसी कढ़ाई में थोड़ी सी कटी हुई लहसुन डाल के सौटे कर लेते हैं और साथ ही साथ वाइट स्प्रिंग ऑनियन थोड़ी सी काट के डाल के सौटे कर लेते हैं और थोड़ी सी कटी हुई ग्रीन चिली भी डाल देते हैं और थोड़ी सी ग्रीन स्प्रिंग ऑनियन भी डाल के अच्छे से सौटे कर लेते हैं। हमने जो चटनी तैयार करके रखे थे उसे भी डाल के अच्छे से 2 से 3 मिनट तक सौटे कर लेते हैं। अब हम इसमें 1 कप पानी डाल देते हैं और उसे अच्छे से चला लेते हैं और थोड़े से टेस्ट के मुताबिक नमक डाल देते हैं और उसी के साथ कूटी हुई 1 चम्मच गोलकी पाउडर डाल देते हैं और अच्छे से चला लेते हैं और 1 चम्मच लगभग टोमेटो सॉस डाल देते हैं और अच्छे से चला लेते हैं। 1 चम्मच विनीगर, 1 चम्मच सोया सॉस डाल के अच्छे से चला लेते हैं। अब हम 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर आधे ग्लास पानी में घोलकर उसे इस ग्रेवी में थोड़े थोड़े डालते हुए ग्रेवी को अच्छा से चला लेते हैं। हमारी डेविल मोमो की ग्रेवी तैयार हो चुका है। अब हमें इसमें फ्राई मोमो डाल देना है और अच्छे से 30 सेकंड के लिए पका लेना है। अब आप देख ही सकते हैं कि हमारी डेविल मोमो बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार हो चुका है। अब हम इसे अच्छे से प्लेटिंग करते हैं। हमें गार्निशिंग के लिए थोड़ी सी चीज़ लेना है और इस डेविल मोमो के ऊपर अच्छे से ग्रेट कर लेना है। तो देखिए कितनी अच्छी और लाजवाब डेविल मोमो तैयार है।